जब रॉबर्ट छोटे थे तो वो समुद्र में काम करना चाहते थे, एक शिप का ऑफिसर बनना चाहते थे, एक पायलट बनना चाहते थे। और जब वो बड़े हुए तो उन्होंने ये सारे काम किए। वो वियतनाम वॉर का हिस्सा रह चुके हैं, पर उन्हें स्कूल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लिखने में, पढ़ने में और पढ़ाने में उनको बिल्कुल मजा नहीं आता था। हिसाब किताब रखने में उनका बिल्कुल मन नहीं लगता था। पर जब वो बड़े हुए तो अल्टीमेटली वो एक एजुकेटर बने, ऑथर बने, और उन्हें अकाउंटिंग के बारे में लगातार सीखना पड़ा, क्योंकि वो सब उन्हें लोगों को बताना था। एक बार उन्होंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक कोर्स लिया था, जिसमें उन्हें पता चला कि एक अच्छी जिंदगी के लिए मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ की भी जरूरत होती है। हमारे स्कूल सिर्फ मेंटल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, जो एक वन डायमेंशनल वे है ग्रोथ का। पर अगर हमें सारे डायमेंशन में ग्रोथ चाहिए तो हमें अपने बारे में जान के उन डायमेंशन में भी ग्रोथ लानी होगी, तभी हम एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड की मासिव सक्सेस के बाद वो एक फाइनेंशियल एजुकेशन की जर्नी पर निकल गए, जहां पे वो लोगों को एजुकेट करना चाहते थे। उन्होंने फिर एक बुक लिखी, रिच डैड्स प्रोफेसी, जिसमें बताया गया था कि आने वाले समय में एक क्रैश आने वाला है, तो बहुत सारे लोग उनकी बुराई करते थे। उन्होंने बोला, योर हाउस इज नॉट योर एसेट, यानी कि आपका घर आपका एसेट नहीं है। गवर्नमेंट, स्कूल, बैंक्स हमें कुछ और ही बताते हैं कि आपका घर आपका एसेट है, तो इस चीज के लिए भी उनकी काफी बुराई की गई। फिर जब 2008 का क्रैश हुआ, उसके बाद जो लोग उनकी बुराई करते थे, उन पे गुस्सा करते थे, वो सब उनके बिलीवर में बदल गए। फिर उन्होंने अपनी एक बुक लिखी, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जिसमें उन्होंने बताया कि चार कैटेगरी से पैसे कमाए जाते हैं, और वो सिर्फ चार कैटेगरी नहीं है, वो चार अलग माइंडसेट के लोग हैं। और क्योंकि उन्होंने देखा कि टाइम के साथ साथ इन्वेस्टिंग में चेंज आ रहा है, तो उन्होंने इसमें 5 लेवल्स ऑफ इन्वेस्टर भी बताए हैं। तो अगर आप अपनी बॉडी, माइंड, स्पिरिट और इमोशनल ग्रोथ चाहते हैं और एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, जिसमें 17 पॉइंट्स में बताया गया है कि आप अपने आप को पहचान के किस तरह से हर डायमेंशन में ग्रोथ पा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, इन पॉइंट्स को समझ के अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, व्हाई डोंट यू गेट अ जॉब। एक समय था जब रॉबर्ट और किम की हालत बहुत बेकार थी। वो बेघर हो चुके थे, उनके पास जॉब नहीं थी, उनकी सेविंग्स खत्म होती जा रही थी, उनके क्रेडिट कार्ड का कर्जा उनके ऊपर बढ़ता जा रहा था, और वो अपनी पुरानी गाड़ी में रात में सोया करते थे। 2 हफ्ते बाद उनके एक दोस्त ने उन्हें अपने घर में जगह दी, जहां पे वो 9 महीने रहे। जब दूसरे उनसे पूछते थे कि तुम कोई जॉब क्यों नहीं कर रहे, तो वो उनको समझा नहीं पाते थे। उनको समझाना काफी मुश्किल होता था, क्योंकि जिन लोगों के लिए जॉब सिक्योरिटी काफी बड़ी थी, उनको ये समझाना काफी मुश्किल था कि वो जॉब क्यों नहीं करना चाहते। हालांकि बीच बीच में उन्होंने अलग अलग तरह की जॉब की है, ताकि उनके सामने खाना आ सके और उनकी गाड़ी में तेल आ सके, पर उन्हें पता था कि हमारा प्राइमरी फोकस कुछ और है। वो जॉब सिक्योरिटी नहीं ढूंढ रहे थे, वो फाइनेंशियल फ्रीडम ढूंढ रहे थे। रॉबर्ट का कहना है, जो लोग भी ये बोलते हैं कि पैसा मैटर नहीं करता, पैसा जरूरी नहीं है, शायद उन्होंने कभी पैसों के बिना ज्यादा टाइम तक समय गुजारा नहीं है। रॉबर्ट और किम के भी बीच में कई बार लड़ाई होती थी, क्योंकि उन्हें डर लगता था इतनी अनसर्टेनिटी और खाने के लिए भी पैसे ना होने की वजह से, पर उनके प्यार ने उन्हें बांधे रखा, और इतनी मुश्किलों के बाद भी वो साथ में स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि उनका विजन क्लियर था, उनकी डेस्टिनेशन उनके सामने थी, पर उन्हें यह नहीं पता था कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए। उन्हें पता था कि हम जब चाहें एक सेफ, हाई पेइंग जॉब कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास कॉलेज डिग्रीज थी और एक्सीलेंट जॉब स्किल्स थी, पर वो जॉब सिक्योरिटी नहीं ढूंढ रहे थे। और 4 साल बाद वो मिलियनेयर बन चुके थे, पर अभी भी उनका अल्टीमेट गोल अचीव नहीं हुआ था। उसके 5 साल बाद उन्होंने अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली। अब वो समय आ गया था जब उन्हें आगे की जिंदगी में काम करने की जरूरत नहीं थी, अब वो जो चाहते वो कर सकते थे। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि पैसा कमाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, या फिर आपकी फॉर्मल एजुकेशन काफी अच्छी होनी चाहिए, पर रॉबर्ट इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करते हैं। उनका मानना है कि आपके पास एक सपना होना चाहिए, उसको पाने की डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, एक चाहत होनी चाहिए कि आप जल्दी जल्दी चीजें सीख सके, और आपके पास एक एबिलिटी होनी चाहिए ताकि आप अपनी स्किल्स को और अपने एसेट्स को समझदारी से यूज कर सके। कैश फ्लो क्वाड्रेंट में उन्होंने बताया है कि पैसे कमाने के 4 तरीके होते हैं। पहला होता है एम्प्लॉई क्वाड्रेंट, जहां लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और उनकी उन्हें सैलरी मिलती है। यहां पे ऑर्डर्स फॉलो किए जाते हैं ताकि वो आराम से अपनी जिंदगी जी सके। दूसरा होता है स्मॉल बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट। यहाँ पे लोग अपनी छोटी दुकान या फिर कोई कंसल्टिंग सर्विस चला रहे होते हैं, जहाँ पे डिसीजन वो खुद लेते हैं, पर उन्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और सारा काम खुद करना पड़ता है।
उसके बाद आता है बिग बिजनेस क्वाड्रेंट, जहां पे लोग बड़ी कंपनीज चला रहे होते हैं, वो दूसरों को हायर करते हैं काम करने के लिए और बिजनेस को मैनेज करते हैं। उसके बाद आता है इन्वेस्टर क्वाड्रेंट, यहाँ के लोग अलग अलग जगह पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट और बिजनेसेस। जो वो पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा अपने आप समय के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। कोई भी इंसान चारों क्वाड्रेंट में से किसी में भी पैसे कमा सकता है। ये मैटर नहीं करता कि आप कैसे पैसे कमा रहे हैं, मैटर ये करता है कि आपकी वैल्यूज, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेसेस और आपका इंटरेस्ट आपको किस क्वाड्रेंट की तरफ आकर्षित करता है। कई लोगों को एम्प्लॉई बनने में मजा आता है, वहीं कुछ लोग अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं और कुछ लोग इन्वेस्टिंग में खुश रहते हैं। हर किसी क्वाड्रेंट में आपको अमीर लोग भी मिलेंगे और गरीब लोग भी मिलेंगे। सक्सेस इस चीज से गारंटी नहीं होती कि आप किस क्वाड्रेंट को चूज करते हैं, पर आप किस तरह से काम करते हैं इस चीज से आपको सक्सेस मिलती है। रिच डैड ने रॉबर्ट को दिखा दिया था कि फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी पाने का पाथ है बी और आई क्वाड्रेंट, तो वो ई और एस क्वाड्रेंट में फंसना नहीं चाहते थे। उनका सपना था कि उन्हें जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है, जहां पे पैसा उनके लिए काम करे, इसलिए वो एक ट्रेडिशनल जॉब नहीं चाह रहे थे। रिच डैड ने यह भी समझाया था कि आपकी छोटी छोटी चॉइसेस एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं टाइम के साथ साथ। वो बोलते हैं कि आपको सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि आप कौन सी जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको ये देखना चाहिए कि उसको करते करते आप कैसे इंसान बनेंगे। ये जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट में चार क्वाड्रेंट है, ये कोई सिर्फ लाइन से सेपरेटेड नहीं है, ये अलग अलग दुनिया है। यहाँ पे लोगों के अलग अलग माइंडसेट हैं, हर कोई अपने दृष्टिकोण से सच्चाई को देख रहा है। इसमें कोई भी एक क्वाड्रेंट दूसरे से बेहतर नहीं है, हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं और अपनी वीकनेसेस हैं। स्कूल में हमें बी और आई क्वाड्रेंट के बारे में नहीं सिखाया जाता, और यही सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग पाए जाते हैं, जैसे इलॉन मस्क, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, रितेश अग्रवाल। कुछ लोग ये चीजें समझ के अपना पाथ चेंज करने की कोशिश करेंगे, और कुछ लोग ये समझ जाएंगे कि उन्हें क्या खुश करता है। कुछ लोगों को स्टार्टिंग में जॉब अच्छी लगती है, पर धीरे धीरे करके जब उनकी उम्र बढ़ती है तो वो अपना दूसरा पाथ चुनते हैं। तो आपको अपने बारे में जान के जिसमें आप खुश हों उस क्वाड्रेंट को चूज करना चाहिए, ताकि आप उस क्वाड्रेंट में सक्सेस के साथ साथ खुशियों भरी जिंदगी भी पा सकें। सेकंड पॉइंट है डिफरेंट क्वाड्रेंट्स डिफरेंट पीपल। रॉबर्ट के एजुकेटेड डैड, जिनको वो पुअर डैड कहते हैं, 60 साल की उम्र तक उनके काफी सपने पूरे नहीं हुए थे। वो ई क्वाड्रेंट में काम करते थे, बाद में उन्होंने एस क्वाड्रेंट में भी काम करना शुरू किया, और एक समय था जब उन्होंने बी क्वाड्रेंट में भी काम करा, जब वो एक आइसक्रीम फ्रेंचाइजी लेके काम कर रहे थे, पर वो काम नहीं किया। रॉबर्ट के पापा समझदार थे, उनके पास टेक्निकल स्किल्स तो पूरी थी जो उन क्वाड्रेंट्स के लिए चाहिए, पर एक चीज थी जिनकी वजह से वो काम वो कर नहीं पा रहे थे। तो एक बार जब रॉबर्ट अपने रिच डैड के साथ बैठे थे, तो वो अपने एजुकेटेड डैड की स्ट्रगल्स बता रहे थे। तो रिच डैड ने बताया कि हम सब इंसान हैं और हमारे अंदर डर होता है, डाउट होता है, बिलीफ होता है, स्ट्रेंथ्स होती हैं और वीकनेसेस होती हैं, और हम इन इमोशंस के लिए अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को बोला कि जब भी तुम्हारे पापा को इनसिक्योरिटी फील होती है, तो वो ई क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं या एस क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं। वहीं रिच डैड को जब भी इनसिक्योरिटी फील होती थी, तो वो फ्रीडम ढूंढते थे, वो चैलेंजेस का सामना करते थे। तो जो मेन डिफरेंस था वो ये था कि वो अपने इमोशंस के लिए कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इस चीज से पता चलता है कि कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें वो पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेंट चेंज करना सिर्फ जॉब चेंज करने की तरह नहीं है। इसका मतलब है कि आप किस तरह से दुनिया को देखते हैं, किस तरह से सोचते हैं, वो आपको बदलना है। कुछ लोग बदलने के लिए तैयार रहते हैं और कुछ लोग इसको रेजिस्ट करते हैं। रिच डैड बताते हैं कि अगर आप इंसानों के शब्दों को सही से सुनो, तो आप उनकी सोल को भी देख सकते हो। वर्ड्स से उनकी कोर वैल्यूज का पता चलता है, और अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको वर्ड्स को मास्टर करना आना चाहिए। आपको अच्छा लिसनर होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड्स किस तरह के लोगों के साथ ज्यादा सूट करते हैं। जैसे कोई एम्प्लॉई कैटेगरी का इंसान होता है, उसके लिए सिक्योर और बेनिफिट्स वर्ड्स यूज होते हैं। वो हमेशा सेफ्टी ढूंढते रहते हैं, और वो बेनिफिट्स ढूंढते हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान्स एटसेट्रा। उनकी टॉप प्रायोरिटी पैसे नहीं होती, उनकी टॉप प्रायोरिटी सिक्योरिटी होती है।
जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं वो सारा काम खुद करना चाहते हैं, वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहते। वो चाहते हैं कि वो मेहनत करे और उस मेहनत के उन्हें पैसे मिले। वो ये नहीं चाहते कि कोई और उनके सर पे खड़ा होकर उन्हें बताए कि भाई तुझे ये काम करना है, वो काम करना है। वो अपना काम अपने हिसाब से करना चाहते हैं। फिर आते हैं बिजनेस ओनर्स। ये सोचते हैं कि ऐसा काम खुद क्यों करना जो कोई और मेरे से बेहतर कर सकता है। ये अपने आसपास स्मार्ट लोग रखते हैं। इनका फोकस सिर्फ पैसों पे नहीं होता, इनका फोकस होता है इंडिपेंडेंस पे, फ्रीडम पे और अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बनने पे। इलॉन मस्क, बिल गेट्स जैसे लोग इस कैटेगरी में आते हैं, इस कैटेगरी में लीडर्स होते हैं। स्मॉल बिजनेस और बिग बिजनेस में एक फर्क होता है और इन दोनों का माइंडसेट भी अलग होता है। जैसे दो बिजनेस ओनर्स हैं, सैरा और बेन। सैरा एक स्मॉल बेकरी रन कर रही है जहाँ पे वो बहुत अच्छे केक्स और पेस्ट्री बनाती है, लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। जब भी सैरा बेकरी पे होती है तो वहाँ पे लोग आते हैं उसके केक और पेस्ट्री खाने। पर अगर सैरा वेकेशन पे चली जाती है तो उसकी बेकरी बंद रहती है। तो वो एक जॉब करती है, वो एक सिस्टम नहीं क्रिएट कर रही। वहीं एक बेन है जो फास्ट फूड की दुकान खोल के बैठा है। उसने अपनी दुकान में एम्प्लॉयज रखे हैं और एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि अगर बेन छुट्टी पे भी चला जाए तब भी उसका बिजनेस रन करता रहता है और पैसे आते रहते हैं। तो उसके पास एक सिस्टम है, वो एक जॉब नहीं कर रहा। सैरा एक एस टाइप बिजनेस ओनर है और बेन एक बी टाइप बिजनेस ओनर है, क्योंकि वो एक सिस्टम बना रहा है और ऐसे लोगों को हायर कर रहा है जो उसका बिजनेस रन कर सकते हैं। बी टाइप बिजनेस ओनर के लिए ये जरूरी है कि उसके पास अपने सिस्टम का कंट्रोल हो और वो लोगों को अच्छे से लीड करना जानता हो। बहुत सारे एस टाइप बिजनेस ओनर्स स्ट्रगल करते रह जाते हैं बी टाइप में जाने के लिए, क्योंकि ज्यादातर वो अपनी एक्सपर्टीज को एक सिस्टम में नहीं बना पाते और या तो वो सारा काम खुद करना चाहते हैं। वो प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, वो बिजनेस सिस्टम पे फोकस नहीं करते। जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मैकडोनल्ड से अच्छा बर्गर बनाते होंगे, पर अगर उनसे पूछा जाए कि क्या वो मैकडोनल्ड से अच्छा बिजनेस सिस्टम बना सकते हैं, तब लोगों को समझ में आता है कि अच्छा प्रोडक्ट बनाना, अच्छी सर्विस देना उतना ही जरूरी है जितना एक अच्छा बिजनेस सिस्टम बनाना। और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो एक अच्छा बिजनेस सिस्टम बना पाते हैं। उसके बाद आते हैं इन्वेस्टर्स, आई क्वाड्रेंट के लोग। आप चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में हो, ई, एस और बी, अगर आपको सच में अमीर बनना है तो आपको इस आई क्वाड्रेंट में आना होता है, क्योंकि यही आपके पैसे वेल्थ में कन्वर्ट होते हैं, जहां आपको पैसों के लिए लगातार काम नहीं करना पड़ता। जो बी और आई क्वाड्रेंट में होते हैं वो ये दो कॉन्सेप्ट समझते हैं, ओपीटी एंड ओपीएम। ओपीटी मतलब अदर पीपल्स टाइम। वो सब कुछ खुद नहीं करते, वो एक टीम बनाते हैं और दूसरों के टाइम और एफर्ट से एक सिस्टम बनाते हैं जिससे सबको फायदा होता है। और ओपीएम का मतलब अदर पीपल्स मनी। वो अपना पैसा तो बड़ी समझदारी से इस्तेमाल करते हैं और दूसरों का पैसा भी लेते हैं और उसे भी समझदारी से इन्वेस्ट करके अपने लिए भी पैसे बना लेते हैं। बहुत सारे लोग रेड लाइन पर चल रहे होते हैं, जितने पैसे आ रहे होते हैं वो उतने ही पैसे खर्च कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको वेल्थ बिल्ड करनी है तो आपको आई क्वाड्रेंट में आके इन्वेस्ट करना होगा ताकि आपका पैसा आपके लिए काम कर सके। वेल्थ टाइम में मेजर की जाती है, यानी आप जितने टाइम बिना काम करे अपना सेम लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं वो आपकी वेल्थ है। इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरीके की होती है। जैसे बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों में इन्वेस्ट करते हैं ताकि बुढ़ापे में वो उनका ख्याल रखें। काफी लोग गवर्नमेंट रिटायरमेंट प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करते हैं, हर महीने अपनी सैलरी में से कुछ कटता है जो वहाँ पे इन्वेस्ट होता है ताकि वो बुढ़ापे में उन पैसों का इस्तेमाल कर सकें। पर जैसे जैसे समय बदल रहा है, इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रहा है, तो ये कहना मुश्किल है कि उनके जमा किए हुए पैसे उनके पूरे बुढ़ापे में चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो अगर सबको पता है कि इन्वेस्टर की कैटेगरी में अमीर बना जाता है तो लोग इन्वेस्टर क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, वो अपने पैसे गंवाना नहीं चाहते, इसलिए वो अपने पैसे बैंक में रखते हैं जिसमें उन्हें काफ़ी कम इंटरेस्ट मिलता है। और कुछ लोग इतना रिस्क ले लेते हैं जैसे वो जुआ खेल रहे हों। पर जो असली इन्वेस्टर होते हैं वो इसको एक स्किल की तरह देखते हैं, एक चांस की तरह नहीं देखते। वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं ताकि उनका रिस्क मिनिमाइज हो सके और वो इसके टैक्स एडवांटेजेस इन्जॉय करते हैं। जरा सोचिए कि अगर कोई इंसान 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है और उसके पैसे 75 साल तक ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद की ज़िंदगी वो कैसे जिएगा? इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन ज़रूरी है ताकि आपके पास इतना पैसा हो सके कि आपको कभी
पैसों की वजह से समस्याएं ना हों। फाइनेंशियल फ्रीडम का पाथ आसान नहीं है, इसके लिए एफर्ट की ज़रूरत है। और इसका लेना देना सिर्फ पैसों से नहीं है, आपकी फॉर्मल एजुकेशन से नहीं है, इसका लेना देना है आपके सपनों से, आपकी चाहत से, और बीच में आ रही रुकावटों को पार करके आगे जाने से। हो सकता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का प्राइस लोगों को ज़्यादा लगे, पर आपको पता लगाना है क्या ये प्राइस आपके लिए वर्थ है। क्या आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ये प्राइस दे सकते हो? थर्ड पॉइंट है, व्हाई पीपल चूज सिक्योरिटी ओवर फ्रीडम। रॉबर्ट के एजुकेटेड डैड उनसे कहते थे कि कॉलेज जाओ, डिग्री लो, एक अच्छी जॉब लो, ताकि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर रह सके। वहीं जो उनके रिच डैड थे वो उन्हें बोलते थे कि तुम्हें सिर्फ जॉब सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें कैश फ्लो क्वाड्रेंट के राइट साइड का सोचना चाहिए, जहाँ पे तुम्हारे को फ्रीडम मिल सकती है। ज्यादातर लोग जॉब सिक्योरिटी की तरफ क्यों भागते हैं? क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, स्कूल हो या घर, हमें ये बताया जाता है कि आपको एक सेफ जॉब की जरूरत है। तो लोग जॉब सिक्योरिटी को फाइनेंशियल फ्रीडम से ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अगर आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो लेफ्ट साइड की चीजें हैं ई और एस, वो सिक्योरिटी पे फोकस करती हैं, वहीं जो राइट साइड की चीजें हैं बी और आई, वो फ्रीडम पे फोकस करती हैं। बहुत सारे लोग एक जॉब स्टार्ट करते हैं, अपना घर ले लेते हैं लोन पे, कपड़े खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, और काफी सारे कर्जे में आ जाते हैं। फिर उनकी शादी होती है और वो और कर्जे में आ जाते हैं, जिससे उनकी ये साइकिल चलती जाती है। और ज्यादातर लोग बैंकरप्ट होने से सिर्फ 3 महीने दूर होते हैं, तभी उन्हें लगातार जॉब करना पड़ता है, क्योंकि वो सोचते हैं आई कांट अफोर्ड टू क्विट। हमें बचपन से एक जॉब सिक्योरिटी की स्क्रिप्ट दे दी जाती है हाथ में, जिसमें एक इंसान रैट रेस में फंस जाता है और वो अपने बिल के और काम के चक्रव्यूह में फंसा रहता है। तो ये आपकी चॉइस है कि क्या आपको वो स्क्रिप्ट फॉलो करनी है या अपनी फाइनेंशियल स्टोरी खुद लिखनी है। गवर्नमेंट आपको टैक्स पे छूट देती है जब आप होम लोन लेते हैं, ताकि लोग कर्जे में आ जाएं। आपको ऐसी चीजों पे टैक्स ब्रेक दिया जाता है जिससे आपके पास कम पैसे हो हाथ में। क्या ये एक सस्पिशियस चीज नहीं लगती? सबसे ज्यादा टैक्स किससे लिया जाता है? जो ई और एस क्वाड्रेंट के लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। जो बी और आई क्वाड्रेंट में लोग होते हैं वो लीगली अपने टैक्स को कम से कम कर सकते हैं। एक बार एक इंटरव्यू में रॉबर्ट से एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपने कितने पैसे कमाए हैं। उन्होंने बोला कि लगभग $1 million। फिर उसने पूछा कि आपने उस पर कितना टैक्स दिया। रॉबर्ट ने बोला 1 रुपया भी नहीं दिया। ये काम रॉबर्ट ने लीगली करा था, पर न्यूज़पेपर में हेडलाइन लिखी गई, रिच मैन मेक्स $1 million एंड एडमिट्स टू पेइंग नथिंग इन टैक्सेस। पर उसमें यह नहीं समझाया गया कि हर इनकम अलग तरह से ट्रीट होती है। कुछ इनकम पे ज्यादा टैक्स लगता है, वहीं कुछ पे कम लगता है। जिस तरह से आप 2 पैरों पे ज्यादा अच्छा बैलेंस बना सकते हैं, उसी तरह से अगर आप 2 क्वाड्रेंट्स को एक साथ यूज करेंगे तो आप अच्छी तरह से आगे चल सकते हैं। जैसे आप एम्प्लॉई क्वाड्रेंट के साथ साथ एस क्वाड्रेंट में जा सकते हैं, स्मॉल बिजनेस बना सकते हैं, फिर उससे धीरे धीरे बिग बिजनेस में ट्रांजिशन ले सकते हैं, जो आपके लिए काफी रिवॉर्डिंग हो सकता है। उसके बाद आप इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में भी जा सकते हैं, जिससे आपको बी और आई क्वाड्रेंट फाइनेंशियली फ्रीडम दिलाने में मदद करेगा। पर आपको यह ध्यान रखना है कि ये सिर्फ आपके क्वाड्रेंट चेंज नहीं होंगे, इसमें आपके माइंडसेट को भी चेंज करना पड़ेगा। आपको चेंजेस के लिए तैयार रहना होगा। रिच डैड का कहना था कि अमीर और गरीब में ये डिफरेंस होता है कि वो अपना खाली समय कहाँ बिताते हैं। रॉबर्ट बी क्वाड्रेंट को क्यों प्रेफरेंस देते हैं? इसके 4 रीजंस हैं। इससे आपको एक्सपीरियंस मिलता है, एजुकेशन मिलती है, और इससे आप बिजनेस सिस्टम्स को समझते हो, जिससे आपकी इन्वेस्टिंग स्किल्स भी अच्छी होती हैं और आपके रिस्क कम हो जाते हैं। दूसरा, आपको कैश फ्लो मिलता है जो आपको आई क्वाड्रेंट में जाने के लिए सपोर्ट करता है, और जब मार्केट में अप या डाउन होते हैं तो उससे आपको इतना फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, कैपिटल एंड नॉलेज। ये आपको कैपिटल भी देता है, नॉलेज भी देता है, जिससे आप एजुकेटेड डिसीजंस ले सकें और अपनी इन्वेस्टमेंट से अपनी वेल्थ ग्रो कर सकें। चौथा, रिस्क मैनेजमेंट। बहुत बार आई क्वाड्रेंट में आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है, पर जब बी क्वाड्रेंट में आप ऑलरेडी सक्सेस अचीव कर रहे हो तो वो आपको एक फाइनेंशियल कशन देता है, ताकि आप कुछ नुकसान झेल सको। तो आपको ये याद रखना है कि हमेशा बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती आपके पैसे बनाने के लिए। सही नॉलेज और स्ट्रेटजी के साथ आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पे चल सकते हो। फोर्थ पॉइंट है, द 3 kinds ऑफ बिजनेस सिस्टम्स। 3 तरह के बिजनेस सिस्टम होते हैं जो कॉमनली यूज होते हैं। पहला, ट्रेडिशनल सी कॉरपोरेशंस,
जहाँ पे आप अपना एक सिस्टम बनाते हो स्क्रैच से। दूसरा फ्रेंचाइजीज, जहाँ पे आप एक प्रूवन सिस्टम को खरीदते हो। तीसरा नेटवर्क मार्केटिंग, जहाँ पे आप एक एस्टेब्लिश्ड सिस्टम के साथ जुड़ते हो। हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ है और अपनी वीकनेसेस हैं। जब रॉबर्ट और किम होमलेस थे तब उनसे पूछा जाता था कि वो ऐसे क्यों हैं, वो कुछ क्यों नहीं कर रहे, तो वो बताते थे कि हम एक बिजनेस सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं। एक बिजनेस सिस्टम बिल्ड करने में बहुत चैलेंजेस आते हैं और वो स्टार्टिंग में फेल भी हुए थे, पर रॉबर्ट को अपने रिच डैड की एडवाइस याद थी कि आपको फेल होने से डरना नहीं है, क्योंकि फेलियर तो सक्सेस का पार्ट है। आप सक्सेस को फेलियर के बिना नहीं पा सकते। तो तीन बिजनेस में फेल होने के बाद रॉबर्ट ने जब चौथी कंपनी अपनी वाइफ किम के साथ खोली तो वो एक सक्सेस साबित हुई और उनके वर्ल्ड वाइड 11 ऑफिस खुल गए। इस काम में 5 साल लगे पर ये उनके लिए वर्थ था। रॉबर्ट अपने रिच डैड से पूछते थे कि क्या मुझे एक फ्रेंचाइजी ले लेनी चाहिए, तो रिच डैड बोलते थे कि तुम्हें फ्रेंचाइजी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेंचाइजी वो लोग लेते हैं जो अपना बिजनेस सिस्टम नहीं बनाना चाहते और तुम अपने बिजनेस सिस्टम बनाने के रास्ते में काफी आगे आ चुके हो, और दूसरा तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तुम एक फ्रेंचाइजी खरीद सको। तो अगर आप एक बी क्वाड्रेंट के इंसान बनना चाहते हैं तो आप ये पाथ चूज कर सकते हैं। पहला, एक मेंटोर रखिए जो आपको गाइड करे सही रास्ते पे चलने के लिए, जिसने वो चीज ऑलरेडी अचीव कर रखी हो जो आप अचीव करना चाहते हैं। दूसरा, एक फ्रेंचाइजी खरीदी जा सकती है जो कि एक ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम होता है, जिससे आपका रिस्क कम हो जाता है। तीसरा, आप एक सिस्टम स्क्रैच से बना सकते हैं। हालांकि इसमें काफी चैलेंज है पर यहाँ पे पूरी कस्टमाइजेशन आपको करनी होती है। पर याद रहे कि अगर आप एक फ्रेंचाइजी चलाना चाहते हैं तो आपको जो उनके सिस्टम के रूल हैं उनके हिसाब से काम करना होगा। ज़्यादातर एस क्वाड्रेंट के लोगों के लिए ये चैलेंजिंग साबित होता है, क्योंकि वो अपनी चीज़ें अपने हिसाब से करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं वो प्रोडक्ट में और सिस्टम में फ़र्क नहीं कर पाते, जिस वजह से उन्हें इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती। और बहुत सारे लोग जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं उनके पास सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करने का और उन्हें चलाने का एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाने के लिए हमें दूसरे लोगों का समय चाहिए। और ज़्यादातर लोग तभी काम करते हैं जब उन्हें सही पैसे दिए जाएं, और उस पैसों को देने के लिए बिजनेस को प्रॉफिटेबल होना होता है अगर उसे लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना है। तो एक बिजनेस सिस्टम बनाने के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, जैसे मार्केटिंग, फिनेंस, अकाउंटिंग, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज और भी बहुत सारी चीज़ें, ताकि एक ऐसा सिस्टम बन सके जो क्रैश ना हो। नेटवर्क मार्केटिंग से लोग पैसिव इनकम कमाते हैं, पर इससे जुड़ने में तभी फायदा है जब आपको इससे अच्छी एजुकेशन मिल रही हो और गाइडेंस मिल रही हो, उसका पर्पस सिर्फ सेल्स कराना ना हो। जैसे अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आप वैसे भी खरीदते, और वो प्रोडक्ट आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने का मौका देते हैं, तो अगर आप बिना कहे भी उसको प्रमोट करते, वहीं आपको उसको प्रमोट करने के पैसे भी मिल सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको राइट एजुकेशन मिले जिससे आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स डेवलप हों, तो ये आपके लिए अच्छा है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट के राइट साइड के लिए आपके पास ये 3 स्किल्स होनी चाहिए। आपको रिजेक्शन हैंडल करना आना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, और आपको लोगों को लीड करना आना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रोडक्ट ही सब कुछ है, वो अपने आप बिक जाएगा अगर अच्छा होगा तो। पर अगर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए एज अ बिजनेस ओनर, तो आपको सिस्टम पे ज़्यादा फोकस करना है, लगातार सीखते रहना है, नई नई चीज़ें सीखते रहना है, और अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना है। 5th पॉइंट है द 5 लेवल्स ऑफ इन्वेस्टर्स। रॉबर्ट के पुअर डैड कहते थे कि इन्वेस्टिंग तो एक रिस्की चीज है, ये एक जुआ है जिसमें आप सब कुछ हार सकते हो। वहीं उनके रिच डैड कहते थे कि फाइनेंशियली अनएजुकेटेड रहना रिस्की है। आपको पैसों को समझना चाहिए कि वो किस तरह से काम करता है, और उसको ग्रो करना आना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं समझते तो आपके पास ज्यादा रिस्क है। आज हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग पुअर डैड के माइंडसेट से काम करते हैं। वो समझते हैं इन्वेस्टिंग एक रिस्की गेम है, और ये रिस्की होती भी है अगर आपके पास सही नॉलेज, एक्सपीरियंस और सही गाइडेंस ना हो। पर इन्वेस्टिंग ही फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता है, वरना आपके साथ कुछ ये चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपको पूरी ज़िंदगी पैसों के लिए काम करना पड़ सकता है, आप हमेशा पैसों की चिंता में रह सकते हैं ताकि आप अपने बिल्स भर सकें, हो सकता है आप पूरी ज़िंदगी दूसरों पर डिपेंड रहें, जैसे आपकी फैमिली, कंपनी या फिर गवर्नमेंट। पैसों की वजह से आपकी कुछ लिमिटेशंस रहनी शुरू हो जाती हैं, और जब तक आपको फाइनेंशियल चेन्स ने बांध रखा है तब तक आप ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी की वजह से
अपने पैसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को देते हैं जैसे बैंकर, फाइनेंशियल प्लानर्स या स्टॉक ब्रोकर्स। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि ये खुद भी इन्वेस्टर नहीं होते, ये खुद भी एम्प्लॉयज होते हैं, वो अपना काम नहीं छोड़ सकते। इसलिए ये एक्सपर्ट्स आपको गलत सलाह देते हैं कि आपको लंबे समय तक पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए, जो सुनने में बड़ा फैंसी लगता है। पर ये खुद में कहीं ना कहीं सिर्फ सेल्स के आदमी होते हैं जो आपको अमीर नहीं बनाना चाहते। वो चाहते हैं कि आपका पैसा किसी भी तरह उनके पास लंबे समय तक रहे ताकि वो लोग उससे ज़्यादा पैसा कमा सकें। जो असली इन्वेस्टर होता है वो कभी भी अपना पैसा एक जगह बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं छोड़ता, वो कैश फ्लो की ताकत को समझता है। जो असली इन्वेस्टिंग होती है वो कुछ इस तरह काम करती है कि आपके पास ज़्यादा पैसा आता है बजाय ज़्यादा पैसा जाने के, ताकि आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट से स्टेडी इनकम आती रहे। रॉबर्ट ने 5 लेवल्स ऑफ इन्वेस्टर्स बताए हैं। पहला लेवल है 0 फाइनेंशियल इंटेलिजेंस लेवल। ऐसे लोगों के पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ होता ही नहीं क्योंकि वो सारे पैसे खर्च कर देते हैं। वो दिखने में अमीर लग रहे होते हैं पर वो वास्तविकता में गरीब होते हैं। दूसरा लेवल है द सेवर्स आर लूजर्स लेवल। ये वो लोग होते हैं जो सोचते हैं कि सेविंग मनी इज स्मार्ट, पर समस्या ये है कि जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, सेविंग से उनको नुकसान होता जा रहा है समय के साथ साथ, और जो वो पैसा सेव करते हैं गवर्नमेंट सिर्फ प्रिंट कर लेती है जिससे उनके पैसों की वैल्यू कम हो जाती है। तीसरा लेवल है द आई एम टू बिजी इन्वेस्टर। ये लोग हाईली एजुकेटेड होते हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत बिजी होते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने काम के साथ, और ये अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी होते हैं कि इनके पास इन्वेस्टिंग के सीखने के लिए वक्त नहीं होता, इसलिए ये अपने पैसे दूसरों को दे देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। चौथा लेवल है द आई एम अ प्रोफेशनल इन्वेस्टर। ये वो लोग होते हैं जो सारा काम खुद करना चाहते हैं, इनको किसी एक्सपर्ट की एडवाइस की ज़रूरत नहीं होती। वो सोचते हैं कि मैं हाई कमीशन्स क्यों दूं अगर मैं सारा काम खुद ही कर सकता हूं। उनका विज़न काफ़ी नैरो होता है और वो इन्वेस्टिंग की दुनिया की बड़ी पिक्चर नहीं देख पाते। फिर आते हैं 5th लेवल के इन्वेस्टर, द कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर। ये सबसे ज़्यादा अमीर लोग होते हैं, इनके बिजनेस पूरी दुनिया में रन कर रहे होते हैं। ये हर जगह अपना पैसा यूज़ नहीं करते, ये दूसरों लोगों का पैसा यूज़ करते हैं। ये एक टीम बनाने पे विश्वास करते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि दो माइंड एक माइंड से बेटर काम कर सकता है। ये कमाते ज़्यादा हैं और टैक्स में पैसे कम देते हैं। ये जानते हैं कि अगर ये जेनरस होंगे तो ये ज़्यादा अमीर बनेंगे बजाय सेल्फिश होने के। इनके लिए कैपिटल रेज करना आसान हो जाता है क्योंकि सक्सेस अट्रैक्ट्स मनी। इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक वर्ड आता है ROI, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे अगर आप एक बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो आपके पास 3-4% साल का इंटरेस्ट आता है जो आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। और अगर आपको अपने पैसों पे 10-12% पर ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और ज़्यादातर ये देखा जाता है जितना ज़्यादा रिटर्न होता है उतना ज़्यादा रिस्क होता है। पर यहाँ पे चाहे आपको बैंक 3% इंटरेस्ट दे या फिर कोई म्यूचुअल फंड आपको 10% इंटरेस्ट दे, दोनों में रिस्क है। बैंक में पैसे रखे हुए होते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि इन्फ्लेशन होता है। वहीं जो आपको 10-12% इंटरेस्ट दे रहा है स्टॉक मार्केट के रिटर्न से, वो मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से रिस्की है क्योंकि वहाँ पे इनएक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स होते हैं। रॉबर्ट की दुनिया में ROI का मतलब अलग है। वो ROI का मतलब समझते हैं रिटर्न ऑन इन्फॉर्मेशन। जितनी अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन है उतने अच्छे आपको रिटर्न्स मिलेंगे और उतना ही कम आपका रिस्क होगा। और लेवल 4 और लेवल 5 इन्वेस्टर इन्फिनिट रिटर्न पा सकते हैं, वो भी बहुत कम रिस्क के साथ। इन्फिनिट रिटर्न का मतलब अपना एक भी रुपया ना लगाए, दूसरों के रिसोर्सेज यूज करके उससे रिटर्न पाना। रॉबर्ट ने ऐसे ही काफी सारे रियल एस्टेट खरीदे हैं जिनमें उन्होंने इन्फिनिट रिटर्न पाया है। यानी वो रियल एस्टेट को पूरे कर्जे से खरीदते हैं, उसके बाद जो उससे इनकम जनरेट होती है वो उसकी EMI भी भरता है और उनको प्रॉफिट भी देता है। तो इस तरह से वो इन्फिनिट रिटर्न पाते हैं। अगर आपको लेवल 5 इन्वेस्टर बनना है तो उसके लिए पहले आपको लेवल 4 इन्वेस्टर बनना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत रिस्क हो सकता है क्योंकि आपको इन्वेस्टिंग की उतनी अच्छी समझ नहीं होगी। 6th पॉइंट है यू कैन नॉट सी मनी विद योर आईज। एक बार रॉबर्ट एक 2-बेडरूम यूनिट के लिए बहुत एक्साइटेड थे, वो उसे $56,000 में खरीदने वाले थे। ये बात उन्होंने अपने रिच डैड को बताई तो उनके रिच डैड ने उनसे पूछा कि तुम इसको खरीद के हर महीने कितने लॉस में जा रहे हो, तो उन्होंने बोला लगभग $100। पर जब कैलकुलेशन हुई तो पता चला कि वो ज़्यादा लॉस में जा रहे थे। रॉबर्ट अपने डिसीजन को जस्टिफाई कर रहे थे कि एक अच्छी डील है, रियल एस्टेट एजेंट भी मेरे से बोल रहा है कि इस प्रॉपर्टी के प्राइस कुछ टाइम में डबल हो जाएंगे और मुझे इस पर टैक्स ब्रेक भी मिलेगा जिससे मेरे लॉसेस कवर हो जाएंगे।
और मुझे डर है कि अगर मैंने नहीं खरीदा तो ये प्रॉपर्टी कोई और खरीद लेगा। तो रिच डैड ने अपने ऑफिस का दरवाजा बंद किया और उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सिखाया कि जब भी आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हो तो सिर्फ वो मैटर नहीं करता जो आप देखते हो, मैटर वो करता है जो आप नहीं देखते। जो इन्वेस्टमेंट है उसकी डील, फाइनेंशियल अग्रीमेंट, मार्केट मैनेजमेंट, रिस्क फैक्टर्स, कैश फ्लो और भी बहुत सारी चीजें, ये सारे हिडन फैक्टर्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो सही है या नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे ही इमोशनल होके ब्रोकर्स की सुनके और अपने दोस्तों की सुनके ऐसी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जो उन्हें पैसा बना के नहीं देती। वो अपने इमोशंस से और अपनी आंखों से देख के इन्वेस्ट करते हैं, अपने दिमाग से इन्वेस्ट नहीं करते। वो ड्रीमर्स होते हैं, गैम्बलर्स होते हैं, हसलर्स होते हैं। पर जो असली इन्वेस्टर होता है वो समझदारी से इन्वेस्ट करता है जो इन्वेस्टमेंट उसे पैसा बना के दे। उसके बाद रॉबर्ट ने सेम प्रॉपर्टी को अलग नजरिए से देखा और उस डील को रीनेगोशिएट किया। प्रॉपर्टी का प्राइस सेम था पर अब उन्होंने इन्वेस्टमेंट की टर्म्स को बदल दिया, जिससे अब उन्हें उस प्रॉपर्टी से नेट प्रॉफिट हो रहा था $80 पर महीने के हिसाब से, सारी फीस लगाने के बाद। कोई और अगर आपसे बोलता है कि आप ये नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि वो बोलना चाहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। जिस तरह से राइट ब्रदर्स को बोला गया था कि तुम कोई एरोप्लेन नहीं बना सकते क्योंकि उनके पास ना तो रिसोर्सेज थे और ना कनेक्शंस, फिर भी उन्होंने पहला एरोप्लेन बनाया है। अगर आप खुद एक फाइनेंशियली एजुकेटेड इंसान हैं तो आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं वो भी आपको बहुत अच्छी सलाह देते हैं, नहीं तो वो भी आपको काफ़ी सेफ और सिंपल स्ट्रेटजी बताते हैं जिससे आपको बहुत कम प्रॉफिट होता है। तो पहले आपको अपने आप को एजुकेट करना चाहिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको हमेशा पूरा सच नहीं बताते। जैसे अगर कोई बैंकर बोलता है कि आपका घर एक एसेट है तो वो कहीं ना कहीं सच बोल रहा होता है, पर वो आपको ये नहीं बता रहा होता कि वो घर उसके लिए एसेट है क्योंकि उससे वो पैसे बना रहा है। तो अगर आप फाइनेंशियली एजुकेटेड होंगे तो आप पूरी पिक्चर को देख सकते हैं। जरा इस सवाल पे गौर करते हैं कि आपको होम लोन लेने पे गवर्नमेंट टैक्स ब्रेक क्यों देती है, वो आपको कर्जे में आने के लिए टैक्स में छूट क्यों दे रही है, पर वहीं आप पैसे सेव करते हो तो उसके इंटरेस्ट पे टैक्स ब्रेक नहीं मिलता क्योंकि बैंक को आपकी सेविंग से उतना भी फायदा नहीं है। आप उसमें ₹1 डालते हो तो उस ₹1 से वो ₹10 आगे उधार देते हैं क्योंकि आपकी सेविंग पे तो उन्हें काफ़ी कम इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, और वहीं उसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा अगर वो किसी को उधार देंगे तो। रिच डैड का एक वैल्यूएबल लेसन था जो उन्होंने रॉबर्ट को बताया था कि तुम अपना प्रॉफिट तब बनाते हो जब तुम इन्वेस्टमेंट को खरीदते हो, ना कि जब उसे बेचते हो। तो अगर तुम कर्जा तब लोगे जब उसका इंटरेस्ट कोई और उतारेगा तो तुम धीरे धीरे अमीर होते चले जाओगे। ये एक गेम की तरह है जहाँ पे अगर आप रूल समझ गए और उसके हिसाब से खेले तो आप जीत जाओगे। बहुत लोग सोचते हैं कि सोना खरीद लिया तो वो तो मेरा एसेट है, पर ये एक ओपिनियन हो सकती है। आपको फैक्ट और ओपिनियन में फर्क समझना होगा। आपका खरीदा हुआ सोना आपके लिए एसेट तब है जब आप उसे कम में खरीदो और ज़्यादा में बेचो। अगर आप कोई भी चीज़ ज़्यादा में खरीद के कम में बेचते हो या वो आपको पैसे बना के नहीं देती तो वो आपका एसेट नहीं है। 7th पॉइंट है बिकमिंग हु यू आर। रिच डैड अक्सर रॉबर्ट से कहा करते थे कि ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारे पास इस समय कितने पैसे हैं या तुम कितना स्ट्रगल कर रहे हो, मैटर ये करता है कि तुम उस सिचुएशन को कैसे टैकल कर रहे हो। क्या तुम स्ट्रगल करके अपने आप को बेहतर बना के कुछ अद्भुत करने की कोशिश कर रहे हो या फिर हार मान के बैठ रहे हो। रॉबर्ट भी एक टाइम पे होमलेस थे पर उन्होंने बदलाव का सामना बहादुरी से किया। जरूरी नहीं कि हर किसी को ऐसे ही हालात देखने पड़े। कैश फ्लो क्वाड्रेंट के राइट साइड में जाने के लिए असली चैलेंज ये नहीं है कि बाहरी हालात कैसे हैं, असली चैलेंज ये है कि आपके अंदर के हालात कैसे हैं। आपको अपने आप को बदलने पे ध्यान देना है। रिच डैड बोलते थे पैसा एक ड्रग की तरह है, ये आपको एडिक्टिव बना देता है, और लोगों को जिस तरह से पैसा कमाने की आदत लग जाती है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये एक पैटर्न को चेंज करने की तरह होता है। आपको अपने पुराने तरीकों से अटैचमेंट हटानी पड़ती है। ये उसी तरह है जैसे आप एक एडिक्शन को तोड़ रहे हो, और जब भी तुम कुछ करना चाहते हो या फिर कोई बिजनेस बनाना चाहते हो तो तुम्हें याद रखना चाहिए कि पैशन जरूरी है। पैशन से बिजनेस बनते हैं, डर से नहीं बनते। तो अगर आप किसी भी क्वाड्रेंट में हो, चाहे एम्प्लॉयज, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स, अगर आप एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जाने की कोशिश करते हो तो वो पैटर्न को चेंज करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि असली लड़ाई आपकी खुद से है। या तो आप बिजनेस बनाएंगे या फिर वापस जॉब के पास पहुंच जाएंगे, ये चॉइस आपकी है।
जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट का लेफ्ट साइड है, यानी कि एम्प्लॉई और स्मॉल बिजनेस, ये अपनी सिक्योरिटी के लिए, इंश्योरेंस के लिए और फाइनेंशियल एडवाइस के लिए पे करते हैं। और जो राइट साइड है, यानी कि बिजनेस और इन्वेस्टर, ये रिस्क लेने के लिए लोगों से पैसे लेते हैं। ये उस पैसों को समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं और उससे काफी ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। 8th पॉइंट है, हाउ डू आई गेट रिच। क्या आपने कभी अपने बचपन में बिजनेस की गेम खेली है? अगर नहीं खेली तो आप ये समझिए कि उसमें कुछ जगह होती हैं जिनको आप खरीदते हो और उसके ऊपर अपना होटल बनाते हो, तो कोई भी अगर उस पे आता है तो वो आपको पैसे देता है। असली जिंदगी में भी ऐसे ही होता है और ये लोग अलग अलग बिजनेस में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। जैसे मैकडोनाल्ड बर्गर बनाता है, उसका बिजनेस बर्गर पे बेस्ड है, पर वो फ्रेंचाइजी सेल करके रियल एस्टेट ऑन करता है, जिससे उसके पास धीरे धीरे इतना पैसा आता है जितना वो खर्च भी नहीं कर पाता। जो सक्सेस का सीक्रेट है वो है थिंक डिफरेंटली। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर सिर्फ वो मेहनत करेंगे तो वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, पर इंडिपेंडेंटली सोचना और आपके सोचने का तरीका ज्यादा महत्वपूर्ण है। तभी नेपोलियन हिल की बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, ना कि हार्ड वर्क एंड ग्रो रिच। अपने गोल अचीव करने के लिए बी डू हैव का कंसेप्ट लगाइए। सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि आप क्या कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप कैसे बन रहे हैं अपने गोल अचीव करने के लिए। जैसे अगर आप एक परफेक्ट बॉडी चाहते हैं तो सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज मैटर नहीं करती, आपके थॉट्स और माइंडसेट का बदलना ज्यादा मैटर करता है। तो अगर आप सोचेंगे कि आप वही करेंगे जो अमीर लोग करते हैं तो आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अमीर लोगों का बड़े बड़े घर खरीदना और स्टॉक में इन्वेस्ट करना उन्हें अमीर नहीं बनाता अगर उनका माइंडसेट पुअर और मिडिल क्लास वाला होता। तो आपको अपने थॉट्स को, अपने बिलीव्स को, अपने आइडियाज को उस इंसान के साथ मैच करना है जो वो गोल अचीव कर सकता है। आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है। हर किसी को डर लगता है, खासकर जब बात पैसों की हो, पर उस डर को आप कैसे हैंडल करते हैं उस पे आपकी सक्सेस डिपेंड करती है। कुछ लोग डर के रुक जाते हैं, वहीं कुछ लोग डर से मोटिवेट होके सीखते हैं और रिस्क को मैनेज करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। हम सब इंसान हैं, हमारे अंदर इमोशंस हैं और पर्सनल रिलेशनशिप्स में इमोशंस जरूरी भी हैं, पर जब बात फाइनेंशियल सक्सेस की आती है तो आपका इमोशनल IQ एकेडमिक IQ से ज़्यादा जरूरी है। बहुत बार हमारा कोई चीज़ करने का मन नहीं कर रहा होता, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे को इन्वेस्टिंग करना सही नहीं लगता, मेरे लिए वो सही नहीं है। तो उनको पता है कि अमीर बनने के लिए इन्वेस्टिंग जरूरी है, पर उनका इमोशन उनके लॉजिक पे हावी हो रहा है। फाइनेंशियल सक्सेस के लिए कई बार हमें वो काम भी करने पड़ते हैं जो काम हमारा उस समय करने का मन नहीं कर रहा। आप अपने आप से कैसे बात कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है। आपको पहचानना चाहिए कि आप अपना डिसीजन इमोशन के बेस पे ले रहे हैं या लॉजिक के बेस पे ले रहे हैं, और ये ध्यान दीजिए क्या ये लॉन्ग टर्म में आपको फायदा देगा। 9th पॉइंट है, बी द बैंक नॉट द बैंकर। जब भी कभी मार्केट क्रैश होता है तो लोग पैनिक में आ जाते हैं, अपनी जॉब सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं, प्रॉपर्टी के पैसे कम हो रहे हैं इस बारे में सोचते हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है इस बात से परेशान रहते हैं और इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से दुखी रहते हैं, पर वो अपने सामने आ रही अपॉर्चुनिटीज को नहीं देख पाते। उनके पास वो टेक्निकल स्किल नहीं होती जो बी और आई क्वाड्रेंट के लोगों के पास होती है, जैसे कैपिटल रेज करना, अपने कर्जे को मैनेज करना और उस टाइम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को पहचान के उसमें इन्वेस्ट करना, जिससे बाद में उन्हें काफी ज्यादा मुनाफा हो सकता है। उनके पास एक कैश मशीन नहीं होती जो बी क्वाड्रेंट के लोगों के पास होती है। फिनेंस की दुनिया को समझना और उसके प्रिंसिपल सही तरीके से इस्तेमाल करना आपको काफी फायदा दे सकते हैं। जैसे एक बार रॉबर्ट और किम ने एक 20 एकड़ की प्रॉपर्टी देखी जो उन्हें $75,000 में मिल रही थी, पर उसकी वजह से वो काफी कर्जे में आ जाते। तो उन्होंने एक दूसरी प्रॉपर्टी देखी जो 87 एकड़ की थी और जो उन्हें $115,000 में मिल रही थी। तो उन्होंने सेलर के सामने कुछ टर्म्स रखी जिसके लिए वो एग्री हो गया। तो उन्होंने उस घर को थोड़ा रेनोवेट किया और 30 एकड़ को $215,000 में बेच दिया। जो नया ओनर था वो भी बड़ा खुश था क्योंकि इससे उसे टैक्स में बेनिफिट मिल रहे थे, और जो उनको $100,000 फालतू मिला उससे उन्होंने अपने कर्जे उतार दिए और उनके पास 57 एकड़ का लैंड अभी भी था। तो इससे पता चलता है कि अगर आप स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज अपनाते हो तो आप अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स यानी कि IPO भी इसी तरह काम करते हैं। जब कंपनी पब्लिक जाती है तो वो अपनी कंपनी का छोटा हिस्सा लोगों में बांट देती है, जिससे उन्हें काफी ज्यादा फायदा होता है।
जैसे इंडिविजुअल एक ह्यूमन बॉडी होती है, उसी तरह से कॉरपोरेशन एक कॉरपोरेट बॉडी होती है। पर फर्क यह होता है कि कॉरपोरेट बॉडी के ऊपर एक ह्यूमन बॉडी के कंपैरिजन में कम रिस्ट्रिक्शन होती है। कॉरपोरेशन अलग अलग देश में जाके काम करती है, तो बहुत लोग सोचेंगे कि गवर्नमेंट चाहे तो उन पर ज्यादा टैक्स लगा सकती है। पर अगर ऐसा होगा तो वो वहां से हटके किसी ऐसी कंट्री में जाएगी जहां पे उस पर टैक्स कम लगता है, और जो वहां के लोगों को रोजगार मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट के लिए भी ये काफी मुश्किल है कि वो कॉरपोरेशंस के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाए। फिनेंस की दुनिया में आपके सामने दो चॉइसेस होती हैं, सिक्योरिटी या फ्रीडम। अगर आप सिक्योरिटी को चुनते हैं तो आप ज्यादा टैक्स देते हैं और अपने लोन्स पे ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं। पर अगर आप फ्रीडम को चुनते हैं तो आप उस गेम में एंटर हो जाते हैं जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट के राइट साइड में होता है, यानी कि बिजनेस और इन्वेस्टर। 10th पॉइंट है टेक बेबी स्टेप्स। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, अ जर्नी ऑफ 1000 miles बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। अगर आपको 10-20 किलो वजन कम करना हो तो शुरुआत 100-200 ग्राम से ही होती है। एकदम से अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करने लग जाओगे, बहुत ज्यादा रनिंग करने लग जाओगे और एक्सट्रीम डाइट लेने लग जाओगे, तो आप एक दो हफ्ते तो हो सकता है बड़े अच्छे से करो, मोटिवेट होके करो, और आपका कुछ वजन भी कम हो जाए तेजी से। पर उसकी वजह से जो आपको दर्द हो रहा होगा, जो ज्यादा तेज भूख लग रही होगी, और उस प्रोसेस को मेंटेन करने में जो बोर्डम आ रही होगी, वो आपको आपकी पुरानी हैबिट्स पे आने के लिए मजबूर कर देगी और आपका वजन फिर से बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए तो आपको बहुत बड़े बड़े कदम रखने की जरूरत नहीं है, आपको छोटे कदम लगातार रखने की जरूरत है। जैसे अगर आपके सामने डोसा आता है तो आप उसे कैसे खाते हो, एक बारी में एक बाइट लेके। ताजमहल, बुर्ज खलीफा जैसी इमारतें एक दिन में नहीं बनी, इसे बनने में महीनों साल लग गए। तो उसी तरह से जब भी आप बी और आई क्वाड्रेंट में जाने की कोशिश कर रहे हो तो आप बेबी स्टेप्स लीजिए। आप देख सकते हैं कि 6 महीने से 1 साल तक बच्चा सिर्फ चलना सीखता है, उसके बाद वो भागना सीखता है। यही सक्सेस का रास्ता है। आपको सिर्फ मेंटल नहीं, इमोशनल डेवलपमेंट की भी जरूरत है। और याद रखिए कि एक्शन बीट्स इनएक्शन। गलतियां करना तो सीखने का भाग है। जिस तरह से साइकिल चलाते हुए शुरू में हम गलतियां करते हैं और धीरे धीरे उनसे सीख के साइकिल चलाना सीख जाते हैं। जो भी इंसान गरीबी से अमीरी में पहुंचा होता है उसके अंदर ये 3 क्वालिटीज कॉमन होती हैं। उनके पास एक लॉन्ग टर्म विजन होता है, वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे फोकस करते हैं, उनको अपने काम के रिजल्ट तुरंत नहीं चाहिए होते, और वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वैल्यू समझते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों पे नहीं लगती, ये आपकी नॉलेज पे और आपके सीखने पे भी लगती है। जब आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं तो धीरे धीरे आप अपने बड़े बड़े गोल्स भी अचीव कर लेते हैं। वहीं जो लोग अमीरी से गरीबी में आए होते हैं उनका शॉर्ट टर्म विजन होता है, वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पे फोकस करते हैं और पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत को नहीं समझते। उन्हें सब कुछ जल्दी चाहिए होता है, क्विक फिक्सेस चाहिए होते हैं, तुरंत अमीर बनना होता है, जिससे वो लंबे समय तक कर्जे में आ जाते हैं। तो आप सीखना शुरू कीजिए और वो छोटे छोटे स्टेप्स अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए लेना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता है। 11th पॉइंट है इट्स टाइम टू माइंड योर ऑन बिजनेस। बचपन से पेरेंट्स, टीचर्स और सोसाइटी एक अच्छे इंटेंशन के साथ एक बच्चे को ये सिखाते हैं कि स्कूल में अच्छे ग्रेड्स लाओ, एक अच्छी सेफ जॉब पाओ, मेहनत करो ताकि तुम अपना घर खरीद सको, और लोन लेने में कोई बुराई नहीं है, अभी खरीदो और बाद में दो, इससे तुम्हें टैक्स में डिडक्शन भी मिलते हैं। पर ज्यादातर जो ये एडवाइस फॉलो करते हैं वो एम्प्लॉयज बन जाते हैं, वो कर्जे में आ जाते हैं, वो गवर्नमेंट को अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में देते हैं, और वो अमीर दिखने के लिए महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं, जिससे उन बिजनेसेस का फायदा हो रहा होता है जो वो महंगी महंगी चीजें बेच रहे होते हैं। तो वो सबके बिजनेस का ख्याल रखते हैं सिवाय खुद के। पर अगर आपको इस गेम को चेंज करना है तो आप अपनी पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझिए और अपने फाइनेंशियल गोल्स क्लियरली सेट कीजिए कि आपको अगले 1 साल में क्या करना है और अगले 5 साल में क्या करना है, और अपने गोल्स को रियलिस्टिक रखिए, जिससे आप अपने एसेट से पैसिव इनकम कमा सके और अपने कर्जे को कम से कम कर सके। 12th पॉइंट है टेक कंट्रोल ऑफ योर कैश फ्लो। स्कूल में हमें पढ़ना सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है, उसके बाद हम गाड़ी चलाना भी सीख लेते हैं, स्विमिंग भी सीख लेते हैं, पर जो सबसे जरूरी चीज है कैश फ्लो को मैनेज करना, वो बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं।
जिसकी वजह से वो मनी प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं और वो सोचते हैं कि मेहनत करके ज्यादा पैसे कमा के वो सारी चीजें सही कर सकते हैं। पर हमें ये समझना चाहिए कि ज्यादा पैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते अगर कैश फ्लो मैनेजमेंट आपकी प्रॉब्लम है। अगर आपकी इनकम बढ़ती है और आप अपने खर्चे और बढ़ा देते हैं और अपने ऊपर कर्जे और ज्यादा बढ़ा देते हैं तो इससे आपके ऊपर और ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आपको ये समझना चाहिए कि जो आपकी लायबिलिटी है वो किसी और का एसेट है। जैसे अगर आप एक कार लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड के कर्जे में फंसते हैं, तो वो आपकी तो लायबिलिटी है पर वो आपके बैंक के लिए एसेट है। तो आप मेहनत कर रहे हैं पर पैसा उनके पास जा रहा है। रिच डैड ने बताया है कि एक होता है गुड डेट, एक होता है बैड डेट। गुड डेट यानी कि अच्छा कर्जा, वो होता है जो लेते तो आप हैं पर उसकी ईएमआईज और उसका इंटरेस्ट कोई और पे करता है। जैसे अगर आप एक लोन लेके एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसे रेंट पे चढ़ा देते हैं और वो रेंट आपकी ईएमआई से ज्यादा होता है तो वो कर्जा आपका किरायेदार उतार रहा है। और बैड डेट यानी कि बुरा कर्जा वो होता है जिसको आप अपनी मेहनत से उतारते हैं। तो अगर आपको इस रैट रेस से बाहर निकलना है तो आपको अपना कैश फ्लो मैनेज करना आना चाहिए। उसके लिए आपको सबसे पहले पे योरसेल्फ फर्स्ट का फॉर्मूला अपनाना चाहिए, जिसमें आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सबसे पहले अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं, उसके बाद अपने खर्चे करने शुरू करते हैं। अपने ऐसे कर्जे जिसमें आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है सबसे पहले उतार दीजिए, और जब आपके सारे कर्जे उतर जाएं तो आप उन पैसों को अपने एसेट बनाने में यूज कीजिए। 13th पॉइंट है, नो द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड रिस्की। एक आदमी था जॉन, जो शुरू से एसेट्स और लायबिलिटी का फर्क जानता था, तो वो कोशिश करता था कि वो ज्यादा से ज्यादा एसेट्स इकट्ठे करे और लायबिलिटीज को कम से कम कर दे। तो 45 साल की उम्र तक उसका एसेट कॉलम काफी अच्छा हो चुका था और लायबिलिटी कॉलम काफी कम था, जिससे वो टॉप 10% लोगों में आ गया था जो फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं। उसके लिए इन्वेस्टिंग एक रिस्क नहीं था, ये उसकी एक स्ट्रेटेजी थी। वहीं एक औरत थी सूजन, जिसको 90% लोगों की तरह कैश फ्लो मैनेज करना नहीं आता था। उसको एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क नहीं पता था और वो उसमें कंफ्यूज रहती थी। वो कहती थी इन्वेस्टिंग तो रिस्की है, पर जब वो 45 साल की हुई तब उसे असली रिस्क का पता चला, लैक ऑफ नॉलेज और फाइनेंशियल एजुकेशन। तो आपको समझना चाहिए कौन ज्यादा स्मार्ट है, आप या आपके पैसे। आपको रिस्क और रिस्की के बीच में फर्क समझना चाहिए। आप अपने रिस्क डिफाइन कर दीजिए। क्या पेचेक पे डिपेंड करना रिस्की है? क्या ऐसा कर्जा लेना रिस्की है जिसकी ईएमआई आपको हर महीने देनी पड़ती है? या एक ऐसा एसेट क्रिएट करना रिस्की है जो आपको हर महीने कुछ पैसे लाके देता है? हर हफ्ते अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए कम से कम 5 घंटे दीजिए, जिसमें आप अलग अलग चीजें पढ़ें, सेमिनार्स अटेंड करें और नई नई चीजें सीखें और उसे इम्प्लीमेंट करें। 14th पॉइंट है, डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर यू वांट टू बी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्यों कुछ लोग बिना इतनी मेहनत करे बहुत ज्यादा अमीर बनते चले जाते हैं, वहीं कुछ लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग सी टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, जो खुद फाइनेंशियली इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स से एडवाइस सीख करते हैं और वो ई और एस क्वाड्रेंट में फंसे रह जाते हैं, क्योंकि वो अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए इन्वेस्टिंग करने की सोचते हैं। उनका फाइनेंशियल एजुकेशन में जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता। उनके अमीर होने के चांसेस उतने ही हैं जितने एक लॉटरी विनर के लॉटरी जीतने के चांसेस होते हैं। उसके बाद आते हैं बी टाइप के इन्वेस्टर, जो कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे उन्हें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या उन्हें रियल एस्टेट खरीदना चाहिए, क्या उनको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये टैक्स एडवाइजर्स के पास जाते हैं, अटर्नीज के पास जाते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स के पास जाते हैं और देखते हैं कि क्या वो इंसान वही बता रहा है जो वो खुद करता है। उसके बाद आते हैं टाइप ए इन्वेस्टर्स, ये वो होते हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ढूंढ रहे होते हैं। इनको बहुत बड़े रिटर्न्स मिलते हैं, जब उनके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो उनका डट के सामना करते हैं। तो अगर आपको अपनी सक्सेस की जर्नी में आगे जाना है तो सबसे पहले शुरू कीजिए माइंड योर ओन बिजनेस से। उसके बाद अपने कैश फ्लो का ध्यान रखिए और उसे मैनेज करना सीखिए। उसके बाद समझिए कि रिस्क और रिस्की में क्या फर्क होता है। एक तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखिए, ताकि जो लोग वो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं वो आपको उस चीज के पैसे दे सके। 15th पॉइंट है, सीक मेंटोर्स। एक मेंटोर आपके गाइड की तरह है। जैसे अगर आपको कोई पहाड़ चढ़ना है और आपको रास्ता नहीं पता, पर आपके पास मैप है जिसका यूज करके आप रास्ता पता लगा सकते हो और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो, उसी तरह से एक अच्छा मेंटर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। जैसे रॉबर्ट के पास उनके रिच डैड थे जो उन्हें काफी अच्छे लेसन्स देते थे। वो बताते थे कि फाइनेंशियल लाइफ में सबसे जरूरी चीजें क्या होती हैं, जैसे अपनी पैसिव इनकम क्रिएट करना,
अपने पैसों को काम पे लगाना। वहीं उनके जो रियल डैड थे, जिनको वो पुअर डैड कहते हैं, वो काफ़ी एजुकेटेड थे पर वो फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं थे। उनका मानना था कि तुम्हें एक सिक्योर जॉब पानी चाहिए, अपना सपनों का घर खरीदना चाहिए जिसकी वजह से तुम लोन में आ जाओगे, और अपने बिल्स पहले पे करने चाहिए। तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आप अपना समय किसके साथ बिता रहे हैं, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में इन्फ्लुएंस करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो आपके आसपास के 6 लोग हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, वो आपका भविष्य तय करते हैं, चाहे वो आपके कोवर्कर हो, फैमिली मेम्बर हो या फ्रेंड्स हों। तो आपको हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जिनका गोल आपके साथ अलाइन करता हो, जिनके सपने आपके साथ अलाइन करते हों। 16th पॉइंट है, मेक डिसअपॉइंटमेंट योर स्ट्रेंथ। रिच डैड का कहना था, व्हेन पीपल आर लेम दे लव टू ब्लेम। जब भी हम दुखी होते हैं तो हम उसका कारण किसी और को बताते हैं, हम किसी और को ब्लेम करने की कोशिश करते हैं। पर हमें समझना चाहिए कि डिसअपॉइंटमेंट को रोड ब्लॉक की बजाय हमें एक स्टेपिंग स्टोन की तरह देखना चाहिए। आपको हमेशा डिसअपॉइंट होने के लिए तैयार रहना है, ताकि जब चीज़ें आपके हिसाब से ना जाएं, तब आप अच्छे प्लान्स बना सकें। और ये समझना चाहिए कि गलतियां करना स्वाभाविक है। आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए गलतियों को लेके। अगर आप बहुत ज़्यादा पनिश करेंगे मेंटली और इमोशनली, तो आप आगे से रिस्क लेने से डरेंगे और नई चीज़ें करने को प्रेफर नहीं करेंगे। तो आपको गलतियों से और अपने डिसअपॉइंटमेंट से भागना नहीं है, आपको उनका डट के सामना करना है। 17th पॉइंट है, द पावर ऑफ फेथ। रॉबर्ट और माइक स्कूल में काफ़ी अच्छे नहीं थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से स्कूल कंप्लीट किया है और बहुत बार उन्हें बहुत बुरा बुरा सुनना पड़ता था, पर किसी तरह उन्होंने कॉलेज पास किया और अपना एक बिजनेस शुरू कर दिया। और जो उनके क्लास के लीडर थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अच्छा नहीं किया। तो रॉबर्ट और माइक को ये समझ में आ चुका था कि जो असलियत में चीज़ें मैटर करती हैं, वो होता है आपकी डिटर्मिनेशन, अपनी गलतियों से सीखने की कला। ये मैटर नहीं करता कि आप स्कूल में कितने अच्छे थे या आपने कितने सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, मैटर ये करता है कि आपकी चाहत क्या है, डिटर्मिनेशन क्या है, और आपको अपने ऊपर कितना बिलीफ है। आपके वर्ड्स में बहुत ताकत है। ये आपके थॉट्स और ओपिनियंस को बताता है जो आप अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप बोलेंगे मैं ये नहीं कर सकता, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, तो आप अपने आप को रोक रहे हैं। पर अगर आप बिलीव करेंगे कि आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं, तो हो सकता है वो रास्ता मुश्किल हो, पर वो मुश्किलें उस गोल को पाने के लिए वर्थ होंगी। तो अपनी सच्चाइयों को पहचानिए और अपने सेल्फ डाउट और अपने डर को अपने आप को रोकने मत दीजिए। ड्रैगन्स परसेप्शन में हम बिलीव करते हैं कि अगर इंसान को सही गाइडेंस मिले तो वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर सकता है। हम लोगों को उनका मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करवाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप ड्रैगन्स परसेप्शन से जुड़ सकते हैं। आप और हम मिलके इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं।